हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। गारंटी है आपने ऐसा नाश्ता खाना तो दूर की बात है, पहले कभी देखा नहीं होगा। और इसे हम बनाएंगे किचन की बेसिक चीजों से, जो हर किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, जिसको मैंने छान के लिया है। और यहाँ पे आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसके अंदर अपना गेहूं का आटा जो हमने छान के लिया उसको हम ऐड कर देंगे। और ये वेट में हमारा 50 ग्राम है, नाप में हमने एक कटोरी ऐड किया है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच दही, जो गाढ़ा और खट्टा होना चाहिए। ये मेरा होममेड दही है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दही का जो टेस्ट होना चाहिए काफी खट्टा होना चाहिए, मीठा दही इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसीलिए दही जो होना चाहिए गाढ़ा और फिटा हुआ और खट्टा होना चाहिए। तो फ्रेंड, इसको थोड़ा सा कुरकुरा बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच सेमोलिना यानी सूजी यानी रवा, जो हमारा बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए। सिर्फ 2 चम्मच है, ज्यादा नहीं डालना है। अगर आपका बड़ा चम्मच है आपको सिर्फ आधा चम्मच लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, 1 बूंद ऑयल काफी है, बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना है, आपको रिफाइंड या घी या बटर का इस्तेमाल करना है। और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, यानी ये जो कड़ी पत्ते फ्रेश वाले होते हैं ये हमें डालना है, 10 से 15 डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया या पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियां काफी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, बस 1 कप काफी है, ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने दही भी डाला है। अब इसको हम कवर करके अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से कवर कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल पतला बैटर अपना तैयार कर लिया है। अब इसे एक बड़े साइज के बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरीके से स्मूथ बैटर होना चाहिए। और अब इसमें हमें क्या डालना है आपको बताते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो फ्रेंड ये गया हमारा नमक 1/2 टीस्पून तक। और अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और इसको हमें बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका बैटर होना चाहिए इस तरह से बिल्कुल रनी होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पानी ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारा बैटर है, रनी है, पतला है, लेकिन चम्मच पे कोटिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से कोटिंग है, ये देखिए, देख रहे हैं। इस तरह से आपके चम्मच को या बर्तन जो भी आप डालें उसको कवर करना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए और इतना पतला होना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। अब इसको हमें रख देना है रेस्ट साइड में, ताकि ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। तो तब तक जब तक ये रेस्ट पे, हम चलते गैस की तरफ दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन रखा है, आप कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच ऑयल, काफी है। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरे को तड़कने देंगे। तो जब जीरा हमारा हल्का हल्का सा तड़कने लगेगा, बहुत ज्यादा काला नहीं करना है, तो 10 सेकंड तक हमें जीरे को अच्छे से तड़का लेना है। अब एक मीडियम साइज की प्याज, जो हमने इस तरह से मोटी मोटी करके रखी है, इसको हम डाल के बढ़िया तरीके से भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और प्याज की जो कलर है वो हल्की सी चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए प्याज को धीमी धीमी आंच पर कम से कम 1 मिनट तक भूनेंगे, और इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट वाला, डार्क वाला नहीं। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो प्याज आपकी जल जाएगी। तो बर्तन जो लीजिएगा वो हल्का सा भारी लेना। तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा अच्छे से, तब हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी होने लगी है गोल्डन ब्राउन, तो यहाँ पे हम इसको चलाते जाएंगे, हो गई है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे आपको बताते हैं। तो अब इसमें हम 1 शिमला मिर्च, जो हमने इस तरह से कट कर ली है, छोटी थी, अगर आपकी बड़ी है आपको आधी लग जाएगी। तो शिमला मिर्च को हमें सिर्फ 30 सेकंड ही भूनना है, क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में प्याज से कम टाइम लगता है। तो कंटिन्यू चलाते हुए गैस का फ्लेम अब हम लो कर देंगे, नहीं तो आपका जो शिमला मिर्च है वो पानी छोड़ देगा। तो ये देखिए शिमला मिर्च भी हमारा डन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम आलू, जो हमने बॉईल करके ठंडा करने के बाद मैश कर लिए हैं, आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो आलू को हमें बढ़िया हाई फ्लेम पर कम से कम घड़ी देखकर 1 मिनट तक भूनना है, ताकि आलू का सारा मॉइस्चर निकल जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे और आलू बढ़िया तरीके से भून जाए।
तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको भूनेंगे क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारा आलू अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक ग्रीन चिली। तो ये गई हमारी एक ग्रीन चिली। हम इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय गर्मियां चल रही हैं, ऐसे में रेड चिली का सेवन आपको कम करना चाहिए, नहीं तो आपके पेट में जलन पड़ सकती है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो फिर हम इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच चाट मसाला, जिससे ये काफी चटपटा हो जाएगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसे बिना सौंफ के भी बना सकते हैं, इसकी जगह पे आप हींग या अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम कोई भी मसाले नहीं ऐड करेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर आप कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे, हम बहुत इसे लिमिटेड मसालों के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो कितना बेहतरीन आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया बस। तो फ्रेंड ये गया हमारा एक चम्मच फ्रेश हरा धनिया, काफी है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि पैर हमारा गर्म है, काफी भारी वाला था, इसीलिए ये अच्छे से हो जाएगा। तो धनिया कभी भी आप डालिए तो लास्ट में डालिए, इससे धनिया का कलर भी अच्छा रहता है और देखने में लुक भी प्यारा आता है। नहीं तो आपका धनिया काला हो जाता है, देखने में बेकार लगता है और टेस्ट में भी बेकार लगता है। तो अब इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से प्लेट में हमने ट्रांसफर कर लिया। अब लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। अगर हम पहले डालते तो आलू अपना पानी छोड़ देते, इसीलिए हमें लास्ट में नमक ऐड करना है। जब हम निकाल लेंगे बर्तन में तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना। अब इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद चेक करेंगे, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है, हम इसे छू पा रहे हैं और बैटर भी हमारा देखिए अच्छे से हो चुका है, फूल गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही कम तेल में। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। अब हमने पैन में डाला है थोड़ा सा तेल, हाफ टी स्पून, तो इसे हम पूरे पैन में इस तरह से फैला लेंगे। तो हमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा तेल लेके अच्छे से हमने पैन को ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे जो पैन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। तो देखिए पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब बनाने से पहले हम अपने बैटर को एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। अब एक चम्मच की सहायता से हम इस तरह से अपने बैटर को डालेंगे। तो यहाँ पे हमें लमसम दो चम्मच डालना है बैटर और इसको हम इस तरह से पूरे पैन में फैला लेंगे। अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर दो मिनट तक पकने देंगे। तो फ्रेंड दो मिनट के बाद हम इस तरह से पैन को फैला देंगे ताकि तेल हल्का हल्का सा सब तरफ फैल जाए। और अब इसे हम धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे वापस से एक मिनट। तो फ्रेंड अब हमारा जो आलू था जो हमने बना के रखा था उसको हम इस तरह से बीचों बीच में लगा देंगे और ये हमें सिर्फ एक से दो मिनट के बाद ही करना है। अगर आपका ये बिल्कुल पक जाएगा तो आपके ये चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड देखिए एक से दो मिनट के बाद इस तरह से हम लेंगे तो देखिए पैन छोड़ रहा है। अब चम्मच की सहायता से हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा चम्मच को इस तरह से करना है या नाइफ ले लीजिए जो भी आपको आसानी लगे। तो नाइफ लेना ज्यादा बेटर रहेगा, तो चलिए मैं भी नाइफ ले लेती। तो इस तरह से नाइफ की सहायता से हम इसके ऊपर इस तरह से इसको टर्न कर देंगे एक साइड से, फिर हमें दूसरे साइड से भी इसको इस तरह से कर देना है। थोड़ी देर हम ऐसे ही रखेंगे ताकि ये कुक हो जाए। तो फिर अब चम्मच की सहायता से इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। और इसे हमें हाई फ्लेम पे अब इसे 10 सेकंड तक कुरकुरा बनाना है, बस काफी है। इस तरह से चम्मच से प्रेस करते जाएंगे और 10 सेकंड इसे हाई फ्लेम पे रखें। तो फ्रेंड 10 सेकंड हो चुके हैं, अब इस तरह से हम लेके इसको पलट देंगे और देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है एक साइड से। अब इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं, ये रेडी हो चुका है, देख लीजिए कितना बेहतरीन लग रहा है। और इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे। तो फ्रेंड लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, दूसरी बात कम ऑयल का है। और इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर रायते के साथ या फिर आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस समय तो स्कूल खुल गए हैं, आपकी तरफ खुले हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना और पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो नाश्ते का फाइनल लुक आप लोग देख लीजिए करीब से कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना बेहतरीन बना है। तो चलिए अब इसको हम इस तरह से नाइफ की सहायता से टर्न करके इस तरह से कट कर देते हैं और आपको अंदर से इसका लुक दिखाते हैं।
ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है, कितना बेहतरीन तरीके से बना है। इस तरह से आप बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए। और आप इसे किसके साथ खाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया और कम तेल का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। बाय।